बोलो विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको जेठ मास की अपरा एकादशी कथा सुनाने जा रही हूँ। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा चला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों के सम्मान है। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महत्व क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से भ्रम हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्या भाषण, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य बनना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनको निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्री का आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से, गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के सम्मान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, यह अपरा एकादशी कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज आपको मैंने अपरा एकादशी की कथा सुनाई है। आपको जो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।